हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। इसके पहले हम लोग सीटेट 2011 का पेपर देख चुके हैं, आज हम लोग सीटेट 2012 के सीटीपी के पोर्शन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और 29 जनवरी 2012 के सीटेट के पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो जब कभी भी बच्चा स्कूल में फेल होता है तो इसका दोष कभी भी हम बच्चे को नहीं दे सकते। एनसीएफ का ये रूल है कि बच्चा कमज़ोर है या फिर बच्चे ने सही तरीके से उत्तरों को याद नहीं किया था, इसमें टीचर की गलतियाँ निकाली जाती है, उसके सिस्टम की गलतियाँ निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यवस्था फेल हुई है, सिस्टम फेल हुआ है, ठीक है। तो जब कभी बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ है कि व्यवस्था फेल हुई है। यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है, न कि बच्चा फेल हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, वो कैसा परिवर्तन हो सकता है अगर शिक्षण से अधिगम पर बल दिया जाता है? वह बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित करके अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होके? तो पहला जवाब सही है, बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। वर्तमान में जो शिक्षा चल रही है या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही चल रहा है, एनसीएफ भी इस बात पे बल देता है कि बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाना चाहिए। रटने को प्रोत्साहित करके, जी नहीं, रटने को प्रोत्साहित नहीं करना है बल्कि इसे हतोत्साहित करना है। बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सिखाना है, उन्हें करके सिखाना है, प्रयोगात्मक ज्ञान देना है, उन्हें खेल विधि द्वारा पढ़ाना है, न कि रटाना है। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, जी नहीं, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, जी नहीं, बच्चे का पढ़ाते समय ही उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए, न कि उसका केवल फाइनल एग्जाम लेकर ही उसके रिजल्ट के आधार पर उसका मूल्यांकन करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि यदि कोई टीचर बीजों का अंकुरण कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो उसे किस प्रकार से बताना चाहिए, जो सबसे इफेक्टिव मेथड होगा, सबसे प्रभावी तरीका होगा। तो पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोया जाए और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करें कि बीज किस प्रकार से अंकुरित हो रहा है, यह बच्चा खुद प्रयोग करके देखे, जी हाँ ये तो एकदम सही लग रहा है। फिर है कि सैंपल पर चित्र बनाना और वर्णन करना, जी नहीं, ऐसे बच्चा कुछ समय के लिए देखकर उसके दिमाग में तो टिकेगा लेकिन वह भूल जाएगा, लेकिन जब बच्चा खुद से उस चीज़ को करेगा, उसे फॉलो करेगा, तो वह लंबे समय तक उसे याद रहेगा। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, जी नहीं, विस्तृत व्याख्या करना, और व्याख्या तो एकदम ही नहीं करना है, छोटे बच्चों को व्याख्या करके सिखाया जाए तो उन्हें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ये बड़े बच्चों के लिए केवल प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है। ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। सी, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। या डी, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो क्या है समावेशी शिक्षा, होता क्या है समावेशी शिक्षा, मतलब सबको समान प्रकार से शिक्षा दी जाए, यानी कि एक ही छत के नीचे, चाहे वह बच्चा अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे दृष्टिबाधित हो या उसे कम सुनाई देता हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो, सब एक साथ मिलकर जब पढ़ाई करते हैं तो उसे ही समावेशी शिक्षा देती है कहा जाता है। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, जी हाँ, कक्षा में विभिन्न वर्ग के बच्चे, विभिन्न समुदाय के बच्चे, विभिन्न धर्म के बच्चे और विभिन्न ही मानसिकता के बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, यही समावेशी शिक्षा होती है।
आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देता है जी नहीं, दाखिले संबंधी लचीले प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि सभी बच्चे आ सके। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित जी नहीं, तथ्यों को नहीं बल्कि प्रैक्टिकली ज्ञान दिया जाना चाहिए। हाँ सी ए परिस्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित जी नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है, लघु उत्तरात्मक, मुक्त उत्तरात्मक वाला, सत्य या असत्य या निबंधात्मक प्रश्न। देखिए जब भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें तो इसी को इंग्लिश में ऑप्शनल क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक पर आपको टिक करना रहेगा। तो वहाँ पर केवल जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे सबका एक ही जवाब सही मारा जाएगा। अगर उस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है तो सभी बच्चों को ए पर ही टिक लगाना होगा, तभी वह सत्य होगा, अन्यथा वह क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। तो यह किस प्रकार के क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है, यह सत्य या असत्य की श्रेणी में आता है। लघु उत्तरात्मक प्रश्न आपका निबंध जब लिखना हो या फिर कोई दीर्घ प्रश्नों का उत्तर लिख कर देना हो तो वह आपके लघु उत्तरात्मक में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निबंधात्मक प्रश्न हो जाएंगे, ऐसे मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ये सब लिखने वाले प्रश्न है, जबकि सत्य या असत्य की श्रेणी में आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्वालिटी इनमें से किसमें है, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो यही ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। प्रोग्रेसिव स्किल जो एजुकेशन है, प्रगतिशील शिक्षा, यह करके सीखने पर ज़्यादा बल देता है। इसमें बच्चे एक्टिव होने चाहिए, साथ में टीचर भी एक्टिव हो, मीनिंगफुल लर्निंग पर ज़्यादा यह बल देता है, यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम पर ज़्यादा बल देता है। तो पाठ्य पुस्तक पर केवल आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। परीक्षाओं में केवल अंक पर ध्यान देता है जी नहीं, ग्रेडिंग नहीं करना है बच्चों का, बार बार केवल परीक्षाएं ही नहीं लेना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डॉट डॉट के बारे में चिंतित है। एक शिक्षक जो कि प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच कर रहा है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता या फिर वैधता। तो वह संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए चिंतित होता है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया गया है उस हर एक टॉपिक से जब हम क्वेश्चन लेते हैं तो पता चलता है कि बच्चे ने हर एक टॉपिक के बारे में उसे जानकारी है या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का किसमें दृढ़ विश्वास है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करना चाहिए जी नहीं, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, जब बच्चा तर्क करेगा तभी उसके संज्ञानात्मक विकास हो पाएगा। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह प्रासंगिक है जी नहीं, यह प्रासंगिक होता है, यह अप्रासंगिक नहीं होता। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं जी हाँ, ये सही जवाब है कि शिक्षार्थी जो कुछ भी अनुभव करता है और जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है यह उससे जो उसे लाभ होता है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, जी नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? यह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जी हाँ, ये एकदम सही जवाब है। अगर बाहर से कोई परीक्षक आकर परीक्षा लेता है, उसकी अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया रहता है कि जो शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं वह अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर से जानते हैं, तो वह उनका आकलन करे तो वह अच्छा होता है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को ग्रेड अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, जी नहीं? बच्चों की लेबलिंग नहीं करनी है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, जी नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, जी नहीं? ये भी गलत जवाब है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस शो करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, जी एकदम सही बात है। अगर किसी भी क्लास में जो बच्चे हैं उन क्योंकि सभी बच्चों एक ही व्यक्तित्व के तो नहीं हो सकते, हर किसी का व्यक्तित्व अलग होता है, यानी कि उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो हर एक बच्चे का जो सीखने का एक्सपीरियंस है वो भी तो अलग होता है, तो टीचर का भी यह दायित्व बनता है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभवों को उनके लिए उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे बच्चे का विकास बहुत ही अच्छे से हो सके। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, जी नहीं? परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी नहीं? अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए, जी नहीं? जब अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे हैं तो कैसे सबको एक ही प्रकार से अधिगम देना चाहिए? कोई बच्चा मंद बुद्धि का है, कोई तीव्र बुद्धि का है, तो कोई किसी बच्चे को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, तो सबके व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही उसे एजुकेशन देना चाहिए, या फिर उसको उसी दिशा में अधिगम कराना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, या सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या डी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, विकास का सिद्धांत जब आप लोग पढ़ेंगे या पढ़े हैं तो उसमें दिया हुआ है कि सभी विकास की दर समान नहीं होती, ये सही बात है। क्या सभी बच्चे एक ही समान सीख सकते हैं? कुछ बच्चे जो क्या होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं या प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनके सीखने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। वही कुछ बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, यानी कि जिनके सीखने की क्षमता कम होती है, तो वह उसी चीज़ को काफ़ी देर से समझते हैं और धीरे गति से सीखते हैं, तो सबकी विकास की दर अलग अलग होती है, ठीक है? विकास हमेशा रेखीय होता है, जी नहीं? विकास सभी दिशाओं में होता है, ऐसा तो है नहीं कि विकास हमेशा एक ही दिशा में होगा या एक ही लीनियर नहीं होता है ये, ठीक है? विकास सभी दिशाओं में होता है और सर्वांगीण विकास होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जी नहीं? गलत बात है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए हम लोग निरंतरता का सिद्धांत भी पढ़ते हैं। चाहे बच्चा बाल्यावस्था में रहे, चाहे किशोरावस्था में रहे, चाहे प्रौढ़ावस्था में है, उसका सभी अवस्थाओं में विकास होता है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा शैशवावस्था में केवल तभी उसका विकास होगा, अब जब वह बाल्यावस्था में पहुंच गया तो उसका विकास नहीं होगा। हाँ, कुछ में थोड़ा धीरे होता है, कुछ में तेज होता है, लेकिन विकास सभी अवस्थाओं में उसका चलता रहता है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, जी नहीं? विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित होती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे का अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, यानी कि वो सोच समझ नहीं पाएगा, तर्क नहीं कर पाएगा। और क्या, किसी बच्चे का अगर संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो उसका सामाजिक विकास नहीं होगा, यानी कि वो किसी से घुलेगा मिलेगा नहीं, ग्रुप नहीं बनाएगा, समाज की भावनाओं को नहीं समझेगा, जी नहीं? विकास की सभी प्रक्रियाएँ अंतर संबंधित होती हैं। विकास वैसे चार प्रकार का होता है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और आपका संवेगात्मक विकास, और सब ही एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर समान नहीं होती बल्कि भिन्न भिन्न होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है अभी हम ऊपर ही डिस्कस किए हैं कि मानव विकास के क्षेत्रों को कितने भागों में, चार भागों में डिवाइड किया जाता है, किस किस में, शारीरिक में, संज्ञानात्मक, संविगात्मक और सामाजिक में। ऐसे इंग्लिश में याद करना तो ऐसे याद कर सकते हैं पी सी ई और यस, यानी कि पी से होगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सी से होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ई से इमोशनल डेवलपमेंट और यस से होगा आपका सोशल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संविगात्मक विकास और सामाजिक विकास होता है। इसी को मानव विकास विकास के आयाम भी कहते हैं, या विकास के प्रकार भी कहते हैं, या विकास के क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डॉट डॉट पर आधारित है। क्या है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? पहला है आपके अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, या पुनर्बलन के सिद्धांत, या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, या ज्ञान के निर्माण पर। तो यह किसके किस पर आधारित है? तो यह ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सके। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण क्या है? जब किसी बच्चे की दादी उसे उसकी माँ से गोद ले लेती है, अपने गोद में लेती है, तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा क्यों रोता है? सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता या फिर वियोग दुश्चिंता? तो किस कारण? वह संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं कि जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ये अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, या सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो सामाजिकरण से यहाँ पर क्या तात्पर्य होगा आपका? शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। अतः इसका सही जवाब होगा कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सामाजिकरण से तात्पर्य क्या होगा कि सामाजिक वातावरण में अपने आप को किस प्रकार अनुकूल कर ले और किस प्रकार अपने आप को समायोजित कर ले, इसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है वैश्विक प्रवृत्ति, प्रयोजनात्मक उपागम, या प्रगतिशील चिंतन, या लैंगिक पूर्वाग्रह। क्या कह रहा है कि राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसके लिए विद्यार्थियों को जब तैयार किया जाता है तो एक विद्यालय इसमें लड़कियों को वरीयता देता है और लड़कों को नहीं दे रहा है,
यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर लड़की और लड़कों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि दोनों को समान रूप से वरीयता देना चाहिए। तो ये किसको दर्शाता है? यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, यानी कि इसी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं आपका जेंडर बायसनेस। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? जेंडर बायसनेस। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? वाइगोस्की बच्चों को सीखने के लिए किस पर ज़्यादा वह बल देते हैं? वाइगोस्की से हर साल सीटेट में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है, और यह सबसे ज़्यादा समाज पर बल देते हैं, सहयोगात्मक शिक्षा पर बल देते हैं, समूह पर बल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है अनुवांशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक या डी सामाजिक। तो वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं? तो यह समाज पर बल देते हैं, यानी कि सामाजिक। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डॉट डॉट से प्रभावित है किससे? ए कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत से, बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, या सी पाइकोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक, या डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि विभिन्न अधिगम मतलब अलग अलग प्रकार से अधिगम की शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण यानी कि अलग अलग पूर्ण के कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित हैं? तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित हैं, क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, और इनके अनुसार जो बुद्धि होता है वह 8 प्रकार का होता है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर बहुकारकी होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती हैं, उससे प्रतीत होता है कि वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, बी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सी सीखने की तत्परता, या डी सक्रिय भागीदारिता। तो इसका सही जवाब है डी सक्रिय भागीदारिता। यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ये बैठने की उचित व्यवस्था, बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, या सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, यह डी विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु में प्रवीणता। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षक को अधिक प्रभावी बना सकता है, साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या डी सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या डी कैसे व्यवहार किया जाने जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका सही जवाब है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर। नैतिक मूल्यों से यह ज्ञात होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत,
बच्चों को बचपन से ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि उन्हें सही और गलत का पहचान हो सके। तो जब बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना होता है तो वह कोहल वर्क करते हैं कि इसके लिए शिक्षक को नैतिक मुद्दों पर विभिन्न चर्चाओं का आयोजन करना चाहिए और उस पर बच्चों से डिस्कशन करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समय वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके या पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके या शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समय वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? यह इसलिए करना चाहिए ताकि जब वह पढ़ाई करे तो इस दौरान वह सामाजिक कौशलों के बारे में भी सीख सके। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि ऐसा बच्चा जो योग्य नहीं है, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना हो, जो योग्य नहीं है, वह विद्यालय में आए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए या सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है आपका कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों को दिया है, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इसमें इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, यह तीसरे में मूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत आता है, सी है विकल्पों का निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, तो यह अमूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत आएगा, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसका सही जवाब है आपका संवेदी प्रेरक में अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जब बच्चा छोटा रहता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में रहता है, तो वह दूसरों की नकल करता है यानी कि अनुकरण करता है और जो चीज़ उसे एक बार याद हो जाता है उसे जल्दी वह भूलता नहीं है, यानी कि उसके अंदर स्मृति होती है और मानसिक निरूपण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का? तो जो मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का होता है, या इसी को कह सकते हैं कि विकास किसका परिणाम होता है, तो वह भी आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल का ही परिणाम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि प्रत्येक बच्चे की विकास दर अलग होती है, यानी कि कोई बच्चा की बौद्धिक क्षमता कम होती है और किसी की उच्च होती है, कोई प्रतिभाशाली होता है तो कोई मंद होता है, तो इसलिए सभी की विकास की दर भिन्न होती है, किसी को तुरंत समझ में आता है और किसी को थोड़ा लेट से समझ में आता है, तो इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न तरीकों से सिखाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए प्राकल्पना का परीक्षण करना, या बी समस्या के प्रति जागरूकता, या सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या डी प्राकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या समाधान करने के लिए सबसे पहले समस्या के बारे में पता होना जरूरी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी से योग आपका समस्या के प्रति
जागरूकता यह समस्या समाधान का पहला चरण होता है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ए आनुभविक, बी भावात्मक, सी आध्यात्मिक या डी व्यावसायिक। तो आपको जो सीखने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह आपका भावात्मक आता है। भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव को अधिगम को सुगम बनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं, या बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसका सही जवाब है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब एक ही कार्य को बार बार हो रहा है होता है तो वह कहीं ना कहीं बच्चे को उबाने लगता है या उसे बोर करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं। ए वे कैसे सीखते हैं, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, या सी सीखने की अनुपस्थिति, या डी शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यह आपका ए होगा। प्रायः शिक्षार्थियों की जो त्रुटियाँ हैं वह इस की ओर संकेत करती हैं कि वह कैसे सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2013 के CDP के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।